नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, अब जब T20 चालू होने वाला है, टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में पूरी सीरीज, तो ऐसे में आपको बता दें, अभी हाल ही में केएल राहुल का एक बहुत ही धांसू बयान आया है। जी हां, केएल राहुल ने बयान दिया है और केएल राहुल ने बताया है कि कैसे उनकी टीम में कुछ ऐसे विस्फोटक बल्लेबाजों को शामिल कर लिया गया है जो कि आने वाले दिनों में उनकी टीम को फाइनल जिताने में और इसके अलावा T20 की सीरीज जिताने में बहुत मदद करने वाले हैं। तो केएल राहुल ने क्या बयान दिया है, किन खिलाड़ियों को लेकर, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आपको पता होगा टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में 5 T20 मुकाबले खेले जाने हैं जिसकी शुरुआत फाइनली 9 तारीख से हो रही है और इसको लेकर हमारे देश के खिलाड़ी बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हैं और खास करके केएल राहुल, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक। अब इसी बीच केएल राहुल ने ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक को लेकर ही एक बयान दिया है और केएल राहुल ने जो बयान दिया है उससे एक बात तो साफ झलक रही है कि केएल राहुल को दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत पर बहुत ज्यादा विश्वास है। जी हां, आपको बता दें, केएल राहुल ने जो बयान दिया है उसमें केएल राहुल ने साफ कहा है कि उनकी टीम में कुछ ऐसे बल्लेबाज हैं जो उनकी टीम को ना सिर्फ मजबूती देंगे बल्कि ये खिलाड़ी अपने दम पर मैच जिताने की क्षमता रखते हैं। केएल राहुल ने कहा कि ऋषभ पंत तो हमारी टीम का बहुत लंबे टाइम से अरसे से हिस्सा है ही और ऋषभ पंत को ये पता है कि कब कहां पर किस तरह से खेलना है। साथ ही साथ इनकी धाकड़ बल्लेबाजी के सामने हमें नहीं लगता कि साउथ अफ्रीका के गेंदबाज टिक पाएंगे, खास करके T20 फॉर्मेट में। इसके अलावा दिनेश कार्तिक, जिनका अभी IPL 2022 में सबसे तेज स्ट्राइक रेट रहा है पूरे IPL के दौरान, अब दिनेश कार्तिक को भी टीम इंडिया में मौका मिला है। कहा जा रहा है कि ऋषभ पंत के बाद जो बल्लेबाजी करने के लिए खिलाड़ी आएगा वो दिनेश कार्तिक ही होंगे। दिनेश कार्तिक के होते हुए दोस्तों यकीनन टीम इंडिया बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी, टीम इंडिया का जो मिडल ऑर्डर है वो बहुत मजबूत हो जाएगा और दिनेश कार्तिक को फिनिशर की भूमिका निभानी है। हमने देखा कि RCB की टीम्स की तरफ से खेलते हुए दिनेश कार्तिक ने किस तरह की परफॉर्मेंस की। ऐसी ही परफॉर्मेंस दिनेश कार्तिक टीम इंडिया के लिए अगर करते हैं तो यकीनन टीम इंडिया 5-0 से साउथ अफ्रीका को ये पूरी T20 सीरीज हरा सकता है। ऐसे में केएल राहुल का मानना है कि दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत से हमें बहुत उम्मीदें हैं, साथ ही साथ केएल राहुल को पूरा भरोसा भी है कि ये खिलाड़ी जरूर अपना 100% देंगे और टीम इंडिया को 5 T20 मुकाबले जिताएंगे। बता दें कि 9 तारीख से T20 की शुरुआत हो रही है, इसका पहला मुकाबला बुधवार को शाम को 7:30 बजे खेला जाएगा, तो आप सभी लोग इस T20 सीरीज के लिए तैयार रहिएगा। इसकी प्लेइंग 11 की वीडियोस ऑलरेडी हम बनाकर डाल चुके हैं जिसे आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर मैं आपको एक बार फिर से बताऊं प्लेइंग 11, तो जी हां, आपको बता दें टीम इंडिया के बहुत सारे दिग्गज खिलाड़ियों को मौका मिलेगा जिसमें केएल राहुल के साथ ईशान किशन को ओपनिंग करते हुए आप देख सकते हैं, श्रेयस अय्यर तीसरे नंबर पर होंगे जबकि चौथे नंबर पर ऋषभ पंत को मौका मिल सकता है, पांचवें नंबर पर हार्दिक पांड्या, छठे नंबर पर दिनेश कार्तिक। इसके अलावा फिर गेंदबाजों की लंबी लाइन रहेगी भारतीय टीम में जो कि टीम को मजबूती प्रदान करेगी। तो यही था वीडियो में, वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।